नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आप इस वीडियो में देखेंगे प्रीकास्ट गर्डर में स्लीव कैसे लगाया जाता है, उसका सेंटर लाइन कैसे निकालते हैं और इसका टेम्पलेट के साथ जो PSC या RCC गर्डर में टेम्पलेट हम लगाते हैं स्लीव का दोनों एंड में, उसको क्या प्रोसीजर है, टोटल डिटेल आप इस वीडियो में देखेंगे ड्राइंग के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से। दोस्तों ये प्लान दिया हुआ है जिसमें चार गर्डर है, 1 2 3 4। इसका जो लेंथ है 22.5 मीटर है सेंट्रल सेंटर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, और इसका जो विथ है 12.5 मीटर है। इसमें दो एंड क्रॉस गर्डर है या एंड डायफ्राम भी हम इसको बोल सकते हैं, एक एक साइड में दूसरा दूसरे साइड में, और एक इंटरमीडिएट डायफ्राम है जो सेंटर में दिया हुआ है। अब हमको देखना है इसका जो बियरिंग लोकेशन है, पॉट बियरिंग जो दिया गया है, यानी कि जो क्रॉस गर्डर है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है एंड फेस से, उसको देखने के लिए हमको डिटेल ए देखना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन का। डिटेल ए में दिया हुआ है क्रॉस गर्डर के एंड से एंड फेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल गर्डर 200 है और 450 mm का एंड क्रॉस गर्डर है, तो इसको हाफ कर देंगे तो 225 mm प्लस 200 mm 425 mm यहाँ एंड फेस से सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग होना चाहिए। इसी डिस्टेंस पे हम टेम्पलेट को फिक्स करेंगे। दोस्तों ये जो मार्किंग किया गया है आप देख सकते हैं, जो एंड क्रॉस गर्डर है सेंटर लाइन ये मार्किंग किया गया है एंड क्रॉस गर्डर का, और ये बियरिंग का जो स्लीव बैठाया गया है टेम्पलेट के साथ अटैच करके, उस एकदम एंड से 425 पे इसका सेंटर लाइन होना चाहिए, जैसा कि आप इस साइड पे देख सकते हैं। यही डिस्टेंस दोनों एंड फेस में होना है। इसके सेकंड एंड में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरे एंड में स्लीव को फिक्स किया गया है सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग, आप देख सकते हैं मार्किंग किया गया है 425 पे, और इधर एंड में RCC गर्डर का जो एंड फेस है उसका एंड फेस मार्किंग किया गया है। तो एंड फेस से सेंटर लाइन ऑफ जो बियरिंग है या सेंटर लाइन ऑफ एंड क्रॉस गर्डर 425 होना चाहिए एज पर ड्राइंग के अनुसार। टेम्पलेट को ये 4 mm थिकनेस का MS शीट है, उसमें जो स्लीव है स्लीव को उसके सेंटर टू सेंटर होल के अनुसार वेल्डिंग करके उसके बाद इसको फिक्स किया गया है, और स्लीव को रॉड के साथ भी एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, जिससे कि जब कास्टिंग होगा तो इसमें कोई मिसप्लेस ना हो, इसलिए फिक्स कर दिया गया है। इसी हिसाब से दोनों एंड क्रॉस गर्डर में टेम्पलेट फिक्स किया गया है, दोनों एंड में तो फिक्स हो गया। दोस्तों अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्लीव किस एंड में आएगा, ये मालूम पड़ेगा बियरिंग लेआउट से। बियरिंग लेआउट का एक इसमें ड्राइंग में दिया रहता है, जिससे उसको हम डिस्टेंस निकालते हैं कौन सा स्लीव किस पोजीशन में फिक्स होगा, कौन सा साइड पे, ये हमको ड्राइंग में दिया रहता है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये 22.5 मीटर का RCC I-Girder का बियरिंग लेआउट है, जिसमें आप देख सकते हैं चार टाइप का बियरिंग दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड बियरिंग, फ्री बियरिंग, उसके बाद दूसरा दिया है फिक्स्ड बियरिंग है, ये लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड, फिक्स्ड बियरिंग, ट्रांसवर्स गाइडेड, फ्री बियरिंग और लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड बियरिंग, ये कॉम्बिनेशन है बियरिंग का। इसी हिसाब से अब हम इसका बियरिंग का ड्राइंग देखेंगे। ये कंप्लीट डिटेल है बियरिंग का, जिसमें आप देख सकते हैं जो स्लीव है इसमें कैपेसिटी दिया हुआ है, ये बियरिंग का ड्राइंग है, 1839 किलो न्यूटन का है। स्लीव का जो डाया है 60 mm का है। स्लीव लेंथ है बॉटम और टॉप का 250 mm का है। इसमें जो एंकर बोल्ट है उसका ये डिटेल दिया है। अब मैं
जो इसमें स्लीव लगेगा 60x250 का, वो दिखा रहा हूँ, साइड पे प्लेसिंग किया गया है। ये 60mm डाया का स्लीव हो गया और इसका जो हाइट है 250mm है। इसका हाइट दोस्तों देखिए 250mm है। ठीक उसी तरह से दोस्तों दूसरे एंड में इसका स्लीव का डाया और उसका लेंथ के अनुसार, इस पर ड्राइंग के अनुसार प्लेसिंग किया गया है। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।